नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। अपन मांग समर्थन के विषय में सरकार संग सफल कर के मधेसी मोर्चा के निर्णय। प्रधानमंत्री दहाल अपन पार्टी के नौ गोटे के समावेश कर मंत्री परिषद के सदर के विस्तार। धनसाग सकवा महेंद्र नगर में पति द्वारा पत्नी के हत्या का खुलासा। स्थानीय तौर पर संरचना समिति सहयोग समिति आह्वान के नेता संजय गठबंधन के नेता कार्यकर्ता द्वारा अवरुद्ध। अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क के क्वींस में एक इस्लामिक धर्मगुरु और अपने सहयोगी के गोली मारकर हत्या। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा अपन मांग संबोधन के विषय में सरकार संग सफल कर के निर्णय कलक। मोर्चा के नेता सबके रवि दिन बेरिया में तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय में बैसल बैसार से मधेस आंदोलन के क्रम में मृत्यु भेल सबके सहित घोषणा तथा मुद्दा स्थिरता के विषय में सरकार संग सफल कर के निर्णय कलक। मंत्री परिषदक एक सप्ताह पहले बैसल बैसार से अ विषय में गृह कार्य क प्रस्ताव तैयार कर के जिम्मा गृह मंत्रालय के देने छल, मुदा गृह मंत्रालय मंत्री परिषद में प्रस्ताव नहीं लगे। सहित घोषणा आ मुद्दा फिरता संबंधी प्रस्ताव मंत्री परिषद में नहीं पहुँचला के कारण से मोर्चा इस विषय में सरकार संग छलफल कर के निर्णय कने तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष बृखेश चंद्र लाल जनतब देने। फिर्ता लिने संबंध में चाहिए आपसी छलफल करें एटा धारणा बनाने उद्देश्य आज बैठक भैर हो रहा हम धारणा बनाया छे अनुसार हमारा नेता कुरा बैसार में संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पार्टी के नौ गोटे के समावेश क मंत्री परिषद तेसर बेर विस्तार कलन। नेपाली कांग्रेस मंत्री होवला के नाम उपलब्ध नहीं करला के बाद प्रधानमंत्री दाहाल शपथ खने 11 दिन में रवि दिन पार्टी के नेता सबके सहभागी करा का मंत्री परिषद विस्तार कलन। तेसर बेर के विस्तार संगे मंत्री परिषद 18 सदस्य बनल। विस्तारित मंत्री परिषद में 5 गोटे मंत्री आ 4 गोटे राज्य मंत्री थपायल। 5 मंत्री में से जनार्दन शर्मा के ऊर्जा, हितराज पांडे के स्थानीय विकास, राम कार्की के सूचना तथा संचार आ अजय शंकर नायक के कानून मंत्रालय के जिम्मेवारी दल गल। धनीराम पौडेल के मंत्रालय तोकल नहीं गल। पौडेल के शिक्षा मंत्रालय के जिम्मेवारी देव के कहल गल में वो मंत्रालय नेपाली कांग्रेस अपना लेल राख प्रधानमंत्री दहाल संग आग्रह केने कारण पौडेल बिना विभागीय मंत्री नियुक्त भेल छत। 5 मंत्री में से गोरखा से निर्वाचित पांडे तथा समानुपातिक सांसद सब कार्की, नायक आ पौडेल मंत्री परिषद में नया चेहरा के छत। रुकुम से निर्वाचित शर्मा मंत्री परिषद में स्थान पौने ई दोसर बेर छ। ओ ऐसा आगू शांति तथा पुनर्निर्माण मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने छलथ। अहिना का 5 तारीख के समानुपातिक सांसद श्री प्रसाद जगेबू के स्थानीय विकास, धनकुटा के समानुपातिक सांसद धनमया बी के बिना विभागीय, नुआकोट के समानुपातिक सांसद राधिका तमांग के कृषि विकास तथा रोहतक से निर्वाचित सांसद सत्यनारायण भगत के ऊर्जा राज्य मंत्री में नियुक्त कैल गेल। नवनियुक्त 5 गोटे मंत्री के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी तथा 4 गोटे राज्य मंत्री सबके प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल रवि दिन बेरिया में पद तथा गोपनीयता के शपथ खोने छत। राष्ट्रपति निवास में आयोजित मंत्री सबके शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होब संसार कर्मी सबके रोक लगा गेल छल। नेकपा माओवादी के नेता प्रभु साह मंत्री छनौट में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चुकल प्रतिक्रिया देने। प्रचंड साह के कानून मंत्री प्रस्ताव केने छल, मुदा वो स्थानीय विकास में दावी केने। साह कानून मंत्री नहीं बन के आरान लेला के बाद माओवादी प्रचंड दोसर सांसद उदय शंकर नायक के ओ जिम्मेवारी देव के निर्णय लेने। अभी विषय में प्रतिक्रिया दैत माओवादी नेता साह कहने देश के केना के निकास देव ते विषय में देख कर मंत्री छनौट कर के चाही, अमे बहुते गलत भेल जना हमरा लागल, ई नीक लक्षण नहीं अछि। ओ कहलन माओवादी नेता साह अ विषय में थप बात कर नहीं चाहत, मुदा स्थानीय विकास मंत्रालय में दावी कर के क्रम में ओ पार्टी बैसार समय अपने अखनो संविधान अस्वीकार केने आ संविधान अस्वीकार कर वाला सबके नेता भेल से आरोप अछि। अपना के कोनो जिम्मेवारी दिला के बाद ओ के ध्यान देव पड़त हुनकर तर्क अछि। अखन संसद के अंतर्राष्ट्रीय सदन तथा श्रम समिति के सभापति से रहल नेता शाह कानून मंत्री होबसँ पहिने तऽ अखन के सभापति ठीक है, कानून मंत्री भक जनता के की कानून के किताब देव। अहि बीच महिला के कैबिनेट मंत्री नहीं बनौने कहत महिला नेता सब असंतुष्ट रहल समय दू गोटे महिला राज्य मंत्री में चुपचाप शपथ खेलिए।
पति पत्नी के हत्या केने घटना सार्वजनिक भेलै छ। धनसा के क्षीरसरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 सखुआ के 28 वर्षक कुशे साथ तेली धरगर हथियार प्रयोग कर अपने कनिया 27 वर्षक सुंदर कला देवी के हत्या केने दावी कैल गेल छ। शुक्र के घास जारिन लावा जंगल गेल समय में क्षीरसरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में पड़े वाला बर्दिया जंगल के भैंसे खोला में कुशे साथ तेली कनिया सुरंदर कला के गर्दन में धरगर हत्या प्रयोग का हत्या केने इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबर के प्रहरी निरीक्षक सागर विक्रम राणा बतौलने भिनसर में पति पत्नी जंगल में जारिन लावा गेल आ साँझ में असगरे घर घुरला के बाद पड़ोसी सबके शंका लाइक खोज तलाश कला के बाद घटना सार्वजनिक भेल छ। घास काट गेल दू दिन के बाद सेहो सुंदर कला नहीं घुरला के बाद स्थानीय सब इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर में जानकारी करने छल। शुक्र दिन आ शनि दिन घर नहीं घुरल सुंदर कला के इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर में स्थानीय जानकारी करला के बाद प्रहरी कुशेशा के क्षीरसरनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 नया टोल से पकड़ाव केने छल। अनुसंधान के क्रम में अपने कन्या सुंदर कला के हत्या केने साथ स्वीकार केने प्रहरी निरीक्षक राणा बतौलने छ। स्थानीय पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति आह्वान केने बैसार संघीय गठबंधन के नेता कार्यकर्ता नाराबाजी करते अवरुद्ध कलक। धनसा जिला में स्थानीय तह के संरचना तथा सीमांकन संबंध में छलफल कर बैसल प्राविधिक सहयोग समिति के बैसार स्थल में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेता सब नाराबाजी करते अवरोध कने सीमांकन के विषय के संविधान संशोधन से निष्कर्ष बिना लगन ही स्थानीय तह के पुनर्संरचना संबंधी काज कर नहीं दे तथा गांव पालिका आ नगर पालिका के गठन जनसंख्या के आधार में नहीं भाकर पहुंच आ भौगोलिक आधार में कैल गेल बतबैत वो सब बैसार स्थल में नाराबाजी कने छ। प्राविधिक सहयोग समिति के धनसा संयोजक राजकिशोर प्रसाद साह पुनर्संरचना संबंधी कार्य विधि तथा मापदंड प्रस्तुत करे लागल समय मोर्चा के नेता सब अवरोध सृजना कने छल। धनसा के प्रमुख जिलाधिकारी दिलीप चापागाई निर्णायक तह के कामकाज नहीं भेला से छलफल कर देव मधेसी मोर्चा के नेता सब संग आग्रह कने छल। आगू बढ़ देवक चाहिए आ किस दल के साथी सब अहाँके अवरोध कल के वो सब नहीं बुझ के अवरोध कर देने बात के। नेपाली कांग्रेस धनसाक सभापति रामस्वरूप यादव छलफल कर देव के पक्ष में वकालत केने छल। साउन महीना भित्रे गांव पालिका तथा नगर पालिका के सीमाना निर्धारण का सिफारिश कर सीमा निर्धारण आयोग संबंधित जिला स्थानीय विकास अधिकारी सबके निर्देशन देने आई। गौ संरक्षण मंच नेपाल के नगर विकास दबाव मंच जनकपुर उपमहानगरपालिका के 127 वार्ड के बिजली बत्ती के मरम्मत आ जरान का कार्यान्वयन में आनब मांग कलक। मंचक अध्यक्ष जगदीश महासेठ अनहार के फायदा उठबैत जनकपुर में आपराधिक क्रियाकलाप में वृद्धि भेल कहित ओहि के न्यूनीकरण में ध्यान देव कहित जनकपुर उपमहानगरपालिका के कार्यकारी प्रमुख पुण्य प्रसाद लुटेल से आग्रह कलक। यसलाई 30 गति भई नै हालत भएको एक गतिदेखि अविलम्ब यसलाई कार्य सुचारू गर्नुहोस् र नगरपालिकाको प्रत्येक वार्डको 1-27 वार्डसम्म प्रत्येक पोलहरूमा अनिवार्य रूपमा गुणस्तरीय त्यो बत्ती लाग्नुपर्ने र त्यसको निरीक्षण अनुगमन यो नगरपालिकाबाट हुनु पर्यो कमिटी बनाएर। जनकपुर धार्मिक सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक रूपमा सेहो महत्वपूर्ण रहल कहित मञ्च शीघ्र ओहिके स्वास्थ्य व्यवस्था गर तथा कार्यान्वयन भेल नहीं भेल अनुगमन सेहो करके मांग कलक। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान के विषय के निष्कर्ष बिना लगने राज्य पुनर्संरचना आयोग के काज आगू नहीं बढ़ावा सरकार के चेतावनी देने। महोतरी जिला के सदरमुकाम जलेश्वर में पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचल अध्यक्ष यादव पत्रकार सब संग बातचीत में ओली नेतृत्वक सरकार आगू बढ़ौने सीमांकन के कार्य के तत्काल बंद कर पड़त सरकार संग आग्रह कलन। वो हमर सब के मांग के समर्थन कर जका संविधान संशोधन नहीं कैल गया तो अपने सब संविधान खारिजी के मांग आगू बढ़ाए चेतावनी दे तो कलन जे हम सब अखन रुक आ देख के स्थिति में छी की हाथ से अखने कह नहीं सकब। माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमंत्री सहित नेपाली कांग्रेस संग भेल तीन मुद्दे सहमति अंतर्गत हमसब प्रधानमंत्री के निर्वाचन में वोट द क एक मुद्दे पालना कर चुकल बतबैत ओ हमसब सरकार दू मुद्दा सहमति पालना करत कि नहीं करत से देख के आ रुक के स्थिति में हमसब रहल स्पष्ट केने छथि। मधेसी आंदोलन में गोली चलाकर मारने सबके पक्ष में जाकर वोट द क ओ सबके ओकरा सबके काज के वैधानिक ठहराने पत्रकार सभक प्रश्न में वो
ओहन नहीं भक गलती सच्चाव कहला के बाद अपने सब वोट देने दावी कने सरकार चुनाव कराब कह रहा समय मधेसी दल किया चुनाव के विपक्ष में रह प्रश्न में अध्यक्ष यादव कहलन चुनाव के लिए कैल जाए वाला चुनाव के कोनो औचित्य नहीं है मांग पूरा नहीं कह चुनाव कला के बाद आरो देश संकट में फंसत देश अखन संक्रमणकालीन अवस्था के अत्यंत जटिल मोड में रहल बतबैत अध्यक्ष यादव देश में निर्यात पूर्णतः ठप रहल तथा आयात 92% से बेसी रहल अवस्था में देश के निकास देव में अखनो नेता सब संविधान संशोधन नहीं कर देश के जर्जर बनावा लागल आरोप सेहो लगलन पार्टी कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष यादव जिला कारागार में पहुँच कर कैदी बंदी सब संग बातचीत सेहो कयने छलथि मधेस आंदोलन के क्रम में सशस्त्र प्रहरी के असै थमन बहादुर बिक के हत्या आरोप में पकड़ाव पड़ल प्रदीप शाह मांझी आ संजय कुमार शाह हुनकर परिवार जन संग भेटत अध्यक्ष यादव बेसी में आब एक महीना जेल में रह के आश्वासन दैत सरकार संग राजनीतिक बंदी सब के छोड़ के पहल भ रहा जानकारी करौने छलथि गाजा शहर के भयान नियंत्रण में लैत प्रहरी के चेक जांच के क्रम में चालक आ गाड़ी में सवार एक गोटे फरार भेल प्रहरी जनकपुर महेंद्रनगर सड़क खंड अंतर्गत धमसा के लक्ष्मीनिया बाजार में 30 साउन भिनसर में चेक जांच के क्रम में गाड़ी के चालक आ गाड़ी में सवार एक गोटे के फरार केने जिला प्रहरी कार्यालय धमसा जनौलक अस्थायी प्रहरी पोस्ट लक्ष्मीनिया के प्रहरी सहायक निरीक्षक हरे राम यादव चेक जांच के क्रम में अपने सब कार के डिक्की खोल गेल समय मोबाइल में बात केने बहाना में चालक आ दोसर एक गोटे व्यक्ति फरार भेल दावी केने प्रहरी फरार भेल सबके खोजी काज कर रहा धमसा के प्रहरी न्याय उपरीक्षक नकुल पोखरेल बताने B11/3606 नंबर के कार के डिक्की में 11 पोका बनाकर 66 kg गाजा प्रहरी नियंत्रण में लेलक गाड़ी सहित के लागू औसत गाजा जिला प्रहरी कार्यालय धमसा में आनल गया सफारी साधन के विषय में खोज तलाश भ रहा प्रहरी न्याय उपरीक्षक पोखरेल बतौलने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी के बैसार शुरू भेल पार्टी मुख्यालय धुमबाराही में रवि दिन शुरू भेल बैसार में स्थानीय तह के पुनर्संरचना प्रदेश कमिटी निर्माण सलाहकार संपरिषद आ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच गठन समीकरण बदल के कारण केंद्रीय कमिटी के बैसार के मिति लगात के एजेंडा रहा सरकार से बहरेला के बाद पहली बेर बैसल स्थायी कमिटी के बैसार से अगला सरकार बनाने कार्यतालिका अनुसार स्थानीय प्रदेश आ संघीय तह के निर्वाचन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करलक बैसार से सरकार ऊपर निर्वाचन नहीं कराकर संवैधानिक रिक्तता कायम कर के रास्ता में चलल आरोप सहित अगला सरकार बनाने कार्यतालिका में दया बाया नहीं हो जगह निर्वाचन कर तथा वही के लिए कानून बनाब के काम के तीव्रता देव ध्यान आकर्षण करौने प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराय जनतब देने एमाले नेतृत्व के अगला सरकार आगामी अघन में स्थानीय तह तथा दोसर वर्ष के बैसाख जेठ में प्रदेश आ कार्तिक अघन में संघीय तह के निर्वाचन करके कार्यतालिका बनौने छल मुदा सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाली कांग्रेस अघन में स्थानीय तह के निर्वाचन कर असंभव नई हाथ निष्कर्ष सहित चैत महीना में करके प्रस्ताव केने विस्थापिका संसद के सबसे पैघ दल नेकपा एमाले भीतर मधेस के मुद्दा के लक अखनो एक प्रकार के भ्रम रहा ओ भ्रम के चीर के प्रयास नहीं तो वही पार्टी के मधेस के प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद तथा नेता लोकन कैलन है आ नहीं है एमाले के नेतृत्व लोकन मधेस के मुद्दा सुन के प्रयास में है मधेस आंदोलन उठौने सीमांकन के फेरबदल के मुद्दा देश विखंडन के उद्देश्य से उठायल एमाले के नेता लोकन एक तरफी रटान लगा रहा है जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलों एमाले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत नेतृत्व से देश के मुद्दा के विखंडन से तुलना कैल जा रहा टिप्पणी संबंध में अहाँ के कहब की है अहाँ के बात जना देते हैं यो वामदेव गौतम ले केपी ओली ले भने जस्तो त्यो काम हुँदा सक्दैन त्यो प्रचण्ड जीले जो भन्नु सक्छ त्यो प्रचण्ड जीको काम राम्रो छ माओवादी आई 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ले ओकर अधिकार मिले विखण्डन नै भेलै ई मधेसके माग देलासँ कति विखण्डन हो ई मधेसके माग तऽ जायज माग है ओमे जे जे मुन्ना संशोधन करके संशोधन कर देते ये माग छै ने बेसी तऽ माग नै माग रहल है देश पाठ तऽ नहीं कही रहा कर एगो तो मतलब विखंडन के तो बातें सवाल नहीं वातावरण से अखन मधेस के मांग के आज जे उनकर हक अधिकार के उ देला के बाद हमरा बुझा देश विखंडन है वास्तव में देश में एक बढ़िया व्यवस्था बनते भाईचारा के अवस्था बन सके एक दूसरे के सत्कार वाला बात मिल सके और दुनिया में बहुत एहन देश है कि यूरोप कंट्री भी बहुत एहन जगह है जर्मनी संसद देश है जो जगह पर एहन किसी के विभेद रहे कि अधिकार देला के बाद कहीं द्वंद्व नहीं फैल जाए
लेकिन जब अधिकार मिले और समानता बनले तो पूरा देश शांति और प्रगति की ओर बाद में जर्मन सबके लाग रहा कि राष्ट्रवादी हमी छे वो बिल्कुल ओकर सबके वो राष्ट्रवादी विखंडनवादी जे एमाले के नेता सब है जे ओकर जे वो चिंतन है वही के कारण से हमरा बुझाए कि आ वाला दिन में विखंडन जरूर हो सके अगर वहने मानसिकता ओकरा सबके रहले तो विखंडन हो सके हम सब जे मधेश में बैठा वाला जनता है कोनो पार्टी के हो एमाले के हो कांग्रेस के हो या मधेशवादी दल के हो हम सब सच्चा राष्ट्रभक्त छी आ कहियो हम सब विखंडन नहीं हो देवे बाजे नहीं रहले खाली के रहले जे जायज मांग है से देवे तो जायज मांग है कोन आखिर संघता जायज मांग नहीं हक अधिकार से बात कर रहे जायज मांग नहीं है आ यदि जायज मांग है तो देवे में फिर आपत्ति कर अहाँ के संविधान से पहले संविधान लेखे से पहले आंदोलन ले बार बार आंदोलन में कैला भले मधेशी के हक अधिकार के लिए उहे संविधान में लाठी के हाथ से डंडा के हाथ से गोली के हाथ से संविधान लेखन काम पूरा कर दिया नहीं चाहिए मधेशिया में क्यों नहीं हमारा जिले में जाना नहीं बुला रहा तो हम ही क्या बुला में हम अपन मधेशिया का राज्य अपन कर रहे हैं हम अपने विघटन करब ये मान लो समाजी लेके कांग्रेस ये मान लो माओवादी सब चल जाओ पहाड़ हम मधेश में एक चाल नहीं रखा कोनो पार्टी मधेशिया पार्टी मात्र मधेश नेपाल में नहीं हुए वास्तव में कैला के बाद विखंडन भ सकते लेकिन मधेशो तो नेपाल आदिवासी है मधेश नवनियुक्त सूचना तथा संचार मंत्री राम कार्की पदभार ग्रहण कलन शपथ ग्रहण करते नेकपा माओवादी केन्द्रक पार्टी मुख्यालय पहुँचक शहीद तथा बेपत्ता स्तंभ में माल्यार्पण कने सूचना तथा संचार मंत्री कार्की ओहिठाम से घूर के सूचना तथा संचार मंत्रालय पहुँचक पदभार ग्रहण कलन संचार मंत्री कार्की के संचार सचिव दिनेश थपरिया आ मंत्रालय के कर्मचारी तथा मंत्रालय मार्फत के संस्थान के पदाधिकारी सब स्वागत कने मंत्रालय के परिसर से सीढ़ी धर ठार में लाइन में ठार भेल कर्मचारी के स्वागत के बाद संचार मंत्री कार्की आ राष्ट्रीय सूचना आयोग के लोगो बनाबे के प्रस्ताव में हस्ताक्षर कलन कार्की हस्ताक्षर के नई प्रस्ताव आब स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद में जायत पदभार ग्रहण के बाद संचार मंत्री कार्की मंत्रालय के सभा कक्ष में कैल गेल स्वागत कार्यक्रम में मंत्रालय मार्फत के निकाय के कर्मचारी ऊपर पूर्वाग्रह बिना रखने काज कर के कोशिश कर के लिए पतौने ओ मंत्री सबके सफल बनाबक कर्मचारी के बड़का हाथ रहल कहत अपने कर्मचारी से पूर्ण रूप में सहयोग के आशा कने बतौलन कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव दिनेश थपलिया मंत्रालय करे थाल काज कार्रवाई आ मंत्रालय माथत रहल संस्थान तथा निकाय के बारे में जानकारी करौने छलथ नेपाल विद्यार्थी संघक 11 महाधिवेशन में प्रतिनिधि छनौट में देखल गेल विवाद उत्कर्ष में पहुंचल विवाद उत्कर्ष में पहुंचक के संगे माओपार्टी नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौड़ेल के समूह के विद्यार्थी नेता सब निर्वाचन बहिष्कार के चेतावनी देने पौड़ेल समूह से अध्यक्ष में उम्मीदवारी घोषणा कने मनोज मणि आचार्य दीपक भट्टराय नीलकंठ रिजाल विनीता अधिकारी लगायत के विद्यार्थी नेता सब रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कह प्रतिनिधि छनौट में धांधली कैल गेल आरोप सहित प्रतिनिधि के नामावली नहीं सजाओल गेल तो निर्वाचन बहिष्कार कर के चेतावनी देने कांग्रेस गठन के निदेशक समिति शनि दिन रात 3760 गोटे महाधिवेशन प्रतिनिधि के नाम सार्वजनिक कने निर्देशक समिति सार्वजनिक केने सूचना वास्तविक विद्यार्थी के छुटाओल गेल तथा संगठन में काजे नहीं केने व्यक्ति के प्रतिनिधि बनाओल गेल पौड़ेल समूह के नेता सब के आरोप पौड़ेल समूह के विद्यार्थी नेता सब पार्टी सभापति शेर बहादुर देव भाऊ पर प्रतिनिधि छनौट में धांधली केने पार्टी मुख्यालय के बैरक में परिणत केने तथा तानाशाही प्रवृत्ति लदने कहित प्रतिनिधि के नामावली नहीं सचाओल गेल पार्टी भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए संघर्ष करके चेतावनी देने निर्देशक समिति में रहल पार्टी नेता पौड़ेल पक्षधर केंद्रीय सदस्य द्वय गोविंद भट्टराय आ धर्म आ गुरुराज घिमिरे से हो समिति के निर्णय विपरीत प्रतिनिधि के नामावली सार्वजनिक कैल गेल कहित नामावली सच्चा का मात्रे निर्वाचन प्रक्रिया आगू बढ़ावा पड़त बताने नेपाली कांग्रेसक नेता रामचंद्र पौड़ेल पक्षधर नेता सबके विरोध के कारण ललितपुर के सानेपा स्थित कांग्रेस मुख्यालय रेबिन बेरिया में तनावग्रस्त रहल पौड़ेल पक्षधर विद्यार्थी नेता सबके निवेशन के 11 महाधिवेशन के प्रतिनिधि छनौट में धांधली कैल गेल कहत नामावली सचाव के मांग कर नाराबाजी कैला के बाद कांग्रेस मुख्यालय आसपास के क्षेत्र तनावग्रस्त बनल केंद्रीय निर्वाचन समिति बेरिया में 3 बजे से 6 बजे धरि उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता के कार्यक्रम रखने में मनोनयन के प्रभावित बनाव पौड़ेल पक्ष के विद्यार्थी सब नाराबाजी आ प्रदर्शन कने वो सब पार्टी सभापति शेर बहादुर देवपा आ निर्देशक समिति के संयोजक डॉक्टर प्रकाश चरण महत विरुद्ध नाराबाजी कने नाराबाजी के क्रम में किछ विद्यार्थी सब प्रहरी ऊपर पाथरबाजी कने अपना सब ऊपर पाथर प्रहार कला के बाद प्रहरी प्रदर्शनकारी ऊपर लाठीचार्ज कने
मनोनयनकर्ता के कार्यक्रम सोम दिन भिनसर धरिक लेल स्थगित कयने अछि। निर्वाचन समिति आई भिनसर 8 बजे से 11 बजे धरिक लेल मनोनयन के समय तोकने अछि। साउन 32 गते भिनसर 7 बजे से 7 बजे धरि मतदान के कार्यक्रम तय कयने अछि। एम्हर निर्देशक समितिक संयोजक डॉक्टर प्रकाश शरण महतो प्रतिनिधि के नामावली सहमति के आधार में टुंग्याल गेल दावी करैत सब पक्ष के मिलावट चाला के बाद प्रतिनिधि सब के संख्या बेसी भेल स्पष्टीकरण देने छथि। संयोजक डॉक्टर महत रवि दिन बेरिया में पत्रकार सम्मेलन कह कर नेवी संघ के सक्रिय कार्यकर्ता सब क्यों मतदान के अधिकार से नहीं छूटे गए कर सब पक्ष के मिलवित काल प्रतिनिधि के संख्या 3760 पहुँचल कहते मतदान से नेतृत्व चयन कल जात बतौलन। निर्देशक समिति के संयोजक डॉक्टर महत प्रतिनिधि छनौट में 1 सप्ताह के समय लगितो महाधिवेशन आब नहीं रुकत दावी कलन। नेवी संघ के महाधिवेशन के उद्घाटन साउन 23 गते भेल में प्रतिनिधि छनौट के विवाद के कारण बंद सत्र स्थगित कल गया छल। झड़प में फिर नेवी संघ कार्यकर्ता नवीन बिबली घायते भेल अछि। असंतुष्ट विद्यार्थी सब त्रिचंद्र कॉलेज से प्रदर्शन करैत सानेपा पहुँचल छल। नेपाल विद्यार्थी संघ के नया नेतृत्व के लिए मनोनयन दाता सोम के लिए घुसकल अछि। अस्थायी शिक्षक सब 2 महीना पहिने संशोधन भेल शिक्षा ऐन फेर से संशोधन करे के मांग कलक। अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कह कर शिक्षा ऐन के 8वां संशोधन से अस्थायी शिक्षक सब के मांग संबोधन नहीं केने कहित ऐन फेर से संशोधन करब मांग कलक। समिति के अध्यक्ष नीरेन्द्र कुंवर अस्थायी शिक्षक के प्रक्रिया पहुँचा कर स्थायी कर के अपना सबके मांग के 8वां संशोधन से संबोधन नहीं कल गया के कारण एन पुनः संशोधन के मांग केने बतौलन। वो 2063 साल के बाद उम्र हद के कारण अवकाश में गेल अस्थायी शिक्षक सबके दवाई इलाज खर्च आ उपदान देव के अन्यथा देश भर के सब अस्थायी शिक्षक सबके काठमांडू में जमघट कह कर भादो 12 गते से आंदोलन करब चेतावनी देने छथि। समिति 5 मुद्दे मांग संबोधन के लिए ध्यान आकर्षण कराब कहित पहले चरण में भादव 7 गते देश भर के जिला शिक्षा कार्यालय के मूल गेट में 1 घंटा धरना पर बैसक के कार्यक्रम सार्वजनिक रखे। बेटा के हत्या में सम्मेलन की कार्रवाई के मांग रहकर आमरण अनशन में बैसल गोरखा के फुजेल के गंगा माया अधिकारी के बचाव तथा कानूनी राज्य के स्थापना करे के मांग कर बालवाटार पहुंचल मानव अधिकार कर्मी सब अपने कानून विपरीत निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन कलक। चरण प्रसाई के नेतृत्व में रवि दिन भिनसर बालवाटार पहुंचल अधिकार कर्मी सब प्रहरी के आग्रह के व्यवस्था करे निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन कने अछि। बैनर आ प्ले कार्ड सहित बालवाटार पहुंचल अधिकार कर्मी सब अपना सबके नागरिक अधिकार के सम्मान के लिए प्रदर्शन करे आयल कहित निषेधित क्षेत्र के नाम में प्रदर्शन में रोक लगाब नहीं मिलत बतौलन। वो सब प्रहरी संग प्रतिवाद करे के क्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल ऊपर अपशब्द सेहो बजने छल। हामी एउटा अधिकारकर्मीहरु अधिकारको नीति बसेका छौँ, त्यहाँ जानुहोस् भन्दा घुरघुर त्यहाँ जानु होइन, हामीले पठाउने गर्छ त्यहाँ नागरिकको सम्मान गर्नु तपाईँहरू पनि जानु सम्मान गर्छौँ सम्मान। बेरबेर आग्रह कला के बाद अस्वीकार कर प्रधानमंत्री निवास आगू के निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन कला के बाद प्रहरी प्रदर्शनकारी सबके पकड़ाव से कल कैसे आब इकोनॉमिक न्यूज। सरकार दैनिक उपभोग्य सामान के प्रसार भाव नियंत्रण के लिए अनुगमन करा वाला है। आपूर्ति मंत्री दीपक बोहरा रवि दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ आ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के प्रतिनिधि के अपन सभाकक्ष में बजाकर छलफल कर आई से सरकार अनुगमन के तीव्रता देत बतौलन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल मंत्री परिषद के दोसर बैसार से बाजार अनुगमन के तीव्रता द कर महगी नियंत्रण कर आपूर्ति गृह लगायत के मंत्रालय के निर्देशन देने से रहते। आपूर्ति मंत्री बोहरा गृह मंत्रालय माथत के कर्मचारी समिति के उपस्थिति में भेल छलफल के शुरू में उद्योगी सबके सामने में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटकर ढुआनी भाड़ा कम भेल अवस्था में बाजार भाव अप्रत्याशित रूप में किया नहीं प्रतिदिन किया दिन प्रतिदिन बढ़ोने कह कर प्रश्न कने छत। उद्योगी सब उत्पादक के सामान उपभोक्ता धरि पहुँचे काल कमती में 4 तह पार कर
करब पड़े स्थायी लेल भाव बढ़ल जवाब देने ऐसे मुदा आपूर्ति मंत्री बोहरा नेपाल में खपत होवे वाला अधिकांश सामान सब भारत से आयात होत आ मुदा तैयो महगी नहीं बढ़ल अवस्था में नेपाल में बाजार भाव बढ़ना के सामान्य रूप में लेबर नहीं सफल बतौलन अप्रत्याशित रूप में भाव बढ़ाल गया से सरकार बाजार में हस्तक्षेप कर आवश्यक देखल गया कहते आई से एक दर्जन टोली मार्फत कैल जाए वाला बाजार अनुगमन के लिए प्रतिनिधि उपलब्ध कराव उद्योगी सब संग आग्रह कने आपूर्ति मंत्री बोहरा अनुगमन के क्रम में देखल जाए वाला म्याद गुजरल सामान नष्ट कैल जात बतौलन ओकर बाद नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ म्याद गुजर के बिक्री होबन नहीं सकल वस्तु के भैट सरकार के फिरता देव पड़त बतौलन मुदा आपूर्ति मंत्री बोहरा उपभोग्य वस्तु बिक्री नहीं होनाई में सरकार के कोनो भूमिका नहीं रहल कहते बिक्री नहीं भाग म्याद गुजरल वस्तु के भैट सरकार फिरता देव के बात संभव नहीं रहल बतौलन वो बिक्री भेल वस्तु के नाफा अपने संग राख के मुदा म्याद गुजरल वस्तु के भैट सरकार संग मांग के कहते उद्योगी सबके झपारलन आपूर्ति मंत्री बोहरा कड़ा रूप में प्रस्तुत भेला के बाद उद्योगी सब हिचकल छल मंत्रालय पहिल चरण में अनुगमन के लिए एक दर्जन वस्तु सबके सूची में रखने जनौलक अछि आब इंटरनेशनल न्यूज अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क के क्वींस में एक इस्लामिक धर्मगुरु आ हुनक सहयोगी के गोली मारकर हत्या कैल गेल अछि सड़क में चल रहल समय पाछू से एक व्यक्ति ओकरा सबके माथ में गोली प्रहार कने पुलिस बतौलक अछि बांग्लादेश से दू वर्ष पहिने 55 वर्षक इमाम मौलाना अकोंजी अमेरिका आयल बतौल गेल अछि अहिना हुनकर सहयोगी थाराउद्दीन 64 वर्ष के छल ओ सब अल फुरकान मस्जिद से निकलते गोली प्रहार कैल गेल छल तैयो पुलिसक अनुसार ओ सब दू गोटे धर्म के कारण मारल गेल होबय सकबाक कोनो तथ्य नहीं भेटल इमाम के हत्या भेल स्थल में जम्मा भेल समर्थक सब कहलन जे ई हेड क्राइम भेल दावी करैत प्रदर्शन केने अछि ओ सब न्याय के मांग करैत नाराबाजी सेहो केने छल अंत में हेडलाइंस फेर सर अपन मांग समर्थन के विषय में सरकार संग सफल करब मधेसी मोर्चा के निर्णय प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपन पार्टी के नगोटे के समावेश कर मंत्री परिषद तेसर गति विस्तार धनुषा के सखवा महेंद्रनगर में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का खतरा स्थानीय दल पुनः संरचना का भी सहयोगी संख्या मान के ने पैसा संघीय गठन चिंता कार्यकर्ता द्वारा अवरुद्ध अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क के क्वींस में एक इस्लामिक धर्म गुरु आगुनक सहयोगी के गोली मार कर हत्या अपन न्यूज अखन के लिए लगभग पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी नमस्कार।